जब संसद का शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन शुरू हुआ तो पूरे देशवासियों की नजर इसी सत्र पर टिकी हुई थी। यह सत्र पिछले कई सत्रों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। साल भर से जिन कृषि कानूनों पर किसानों का विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उन कानूनों को इसी सत्र के दौरान रद्द कर दिया गया। पिछले साल भारत सरकार ने 3 कृषि कानूनों को लाने की घोषणा की। 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में इस बिल को पारित कर दिया गया। इस बिल के पारित होते ही किसानों का विरोध देखने को मिला। 27 सितंबर 2020 को जब राष्ट्रपति ने इन तीनों बिलों पर अपनी मंजूरी दे दी तो किसानों ने दिल्ली के बॉर्डरों पर अपना विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। इसी साल शीतकालीन सत्र से पहले मॉनसून सत्र में किसानों ने संसद के सामने ऐतिहासिक किसान संसद करके तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा की। कई दौर की बातचीत के बाद भी जब किसान और सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो इस साल 19 नवंबर को देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विंटर सेशन में तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद किसानों की मिलीजुली सी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया कि जब तक संसद में तीनों कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक हम बॉर्डरों पर टिके रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। प्रधानमंत्री के संबोधन के 5 दिन बाद कैबिनेट मीटिंग में भी तीनों कानूनों को वापस करने पर मोहर लगा दी गई। आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। 29 नवंबर को संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सारे सवालों का जवाब देने के लिए और संसद के सत्र के दौरान खुली चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो। शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने कृषि कानूनों के रद्द करने की मांग करते हुए संसद परिसर में ही विरोध प्रदर्शन किया। संसद की कार्रवाई जब शुरू हुई तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल को संसद के सामने पेश किया, जिसके चलते लोकसभा में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। 2020 और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ध्वनि मत से ही बिल पास किया, लेकिन सभा में चलते विरोध प्रदर्शन के कारण विपक्ष को इस बिल पर बातचीत करने का मौका ही नहीं मिला। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हार गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्षवा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। लोकसभा में बातचीत का मौका ना मिलने पर टीएमसी के नेताओं ने लोकसभा की कार्यवाही के बाद परिसर में एक और विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में बिल पास होने के बाद इस बिल को राज्यसभा के सामने पेश किया गया। माननीय उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोकसभा द्वारा यथा पारित कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधायक पर विचार किया जाए। प्रतिपक्ष नेता मल्लिक अर्जुन खड़गे का इस बिल पर कहना था कि सरकार अब ये बिल इसलिए वापस ले रही है ताकि इलेक्शंस में
उनको इसका फायदा मिल सके। सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाई इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ, तो उसके बाद में 5 स्टेट में चुनाव है, इसका परिणाम भी वो पहले से सोच चुके कि भाई ये बाई इलेक्शन में ऐसा परिणाम है तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा कि भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए इस बिल को लाई थी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर दोहरा रुख अपना रही है। तीनों कृषि सुधार बिल आपकी बात भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। यही नहीं, नरेंद्र तोमर ने विपक्ष पर बयान देते हुए यह भी कहा कि विपक्ष पहले से ही इन कानूनों को रद्द कराना चाहता था और अब जब ये कानून रद्द किए जा रहे हैं तो इस विषय को आगे ना बढ़ाया जाए। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। सदन के डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह के सामने जब बिल रखा गया तो उन्होंने ध्वनि मत से इस बिल को राज्यसभा में पास कराया, लेकिन राज्यसभा में इस बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई। कृषि कानूनों को आखिरकार रद्द कर दिया गया है। साल भर से चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद कुछ अच्छे नतीजे जरूर आए हैं, लेकिन सरकार ने एक बार फिर यह फैसला बिना किसी बातचीत के लिया है। विपक्ष हमेशा से यह कहता आ रहा है कि सरकार किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना और बाकी किसी विरोधी पक्ष के सुझावों को सुने बिना किसी भी फैसले को लागू नहीं कर सकती। जहां तक बात की जाए किसानों की, तो वो इस बात पर कायम है कि कृषि कानूनों का रद्द होना अंत नहीं बल्कि एक नए आंदोलन की शुरुआत है। किसानों का मानना है कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसका होना बाकी है। किसान चाहते हैं कि उनको MSP की गारंटी दी जाए और इसके लिए एक पक्का कानून बनाया जाए। किसान ये चाहते हैं कि बिजली संशोधन बिल को वापस लिया जाए। किसान ये भी चाहते हैं कि इस किसान आंदोलन में शहीद हुए सभी किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। किसान चाहते हैं कि किसानों के खिलाफ चल रहे सारे केस वापस लिए जाएं। किसान गृह राज्य मंत्री अजय तेनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं, जिनके काफिले ने लखीमपुर में विरोध कर रहे किसानों को टक्कर मारी थी। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा किसानों की और भी कई मांगे हैं। किसानों का मानना है कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन संसद में कृषि कानूनों का रद्द होना एक नए कृषि आंदोलन की तरफ पहला कदम है और यहां से किसान एकजुट होकर एक नई दिशा की ओर बढ़ेंगे।